किस तरह से एक बंदर ने एक पुजारी की जान बचाया और किस तरह उस बंदर के मुंह से जय श्री राम का आवाज सुनते ही उस पुजारी के शरीर में 100 हाथी का ताकत आ गया। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बजरंगी स्टोरीलैंड। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं बल्कि एक अद्भुत चमत्कार कहानी लेकर आया हूँ। कहा जाता है कि भगवान हनुमान चिरंजीवी है, अर्थात वो आज भी जिंदा है। कहा जाता है कि कई बार ऋषि मुनियों और साधु संतों ने स्वयं भगवान हनुमान का दर्शन भी किए हैं। कहते हैं कि जो भी इंसान भगवान श्री राम नाम का जप करता है उसका दुख हरने के लिए स्वयं हनुमान किसी न किसी रूप में उसके पास जाकर पहुंच जाते हैं। आज की कहानी एक बूढ़े आदमी की है जो राम मंदिर की एक पुजारी थे। वो दिन रात भगवान श्री राम मंदिर में राम का पूजा करते थे। कुछ ही साल पहले उनके पत्नी का देहांत हो गया था। उनका सिर्फ एक लौता बेटा था जो कि बड़े ही निकम्मा और कामचोर था। जब तक बेटे का शादी नहीं हुआ था तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर जैसे ही बेटे का शादी हुआ बेटा और बहू दोनों मिलकर पुजारी का अच्छी तरह से देखभाल करने लगे थे और इस बात पर पुजारी भी बहुत ज्यादा खुश था। वो दिन भर भगवान श्री राम का सेवा करता था और जैसे ही शाम होता था वो घर लौटने के बाद घर में उसके बहू और बेटे उसके सेवा करते थे, मगर उसे ये पता नहीं था कि उसके जाने के बाद उसके बहू और बेटे उसके बारे में क्या क्या खिचड़ी पका रहे थे। एक दिन पुजारी राम मंदिर में भगवान श्री राम का पूजा कर रहा था तभी अचानक ही उसके दिल में थोड़ा सा दर्द होने लगा। उसने सोचा कि आज वो जल्दी ही घर वापस चला जाएगा और घर में थोड़ा सा आराम करेगा, और वो उस दिन जल्दी ही घर अपने वापस आ गया और वो अपने बेडरूम में जाकर आराम करने लगा, मगर अगले ही दिन सुबह वो अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका हाथ पैर काम करना बंद कर दिया है। उसने अपने बहू और बेटी को जोर से आवाज देते हुए अपने पास बुलाया और कहने लगा कि क्या हुआ है मुझे, मेरा हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। मगर पुजारी के बेटे ने उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के बजाय हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगा कि पिताजी आप घबराइए मत, मैं जाकर आपके लिए अच्छा दवाई लेकर आता हूँ। और वो बाजार से कुछ नकली दवाइयाँ लाकर अपने पिताजी को रोज देने लगा। समय बीतता गया मगर पुजारी का तबीयत और भी दिन ब दिन खराब होने लगा। एक दिन पुजारी अपने बेटे को पास बुलाकर कहने लगा कि बेटा बहुत दिन हो गया मैं मंदिर नहीं गया हूँ, पता नहीं मंदिर का हालत कैसा होगा। मेरा एक काम करना, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम मंदिर का ध्यान रखना। बेचारा पुजारी बिस्तर में पड़ा पड़ा भगवान श्री राम का नाम जपता रहता था। पहले पहले तो पुजारी को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ता वो आवाज देते ही उसके बहू और बेटे उसके पास आ जाते थे, मगर कुछ दिनों के बाद बहू और बेटे ने दोनों मिलकर अपने असली रंग दिखाने लगे। दोनों मिलकर पुजारी को ठीक से खाना नहीं देते थे और पुजारी चाहे कितने भी आवाज दे वो दोनों कभी भी उस पुजारी के पास नहीं जाते थे। बिस्तर में पड़ा पड़ा पुजारी एक दिन चिल्लाते हुए कहने लगा कि बेटा प्यास के कारण गला सूखा जा रहा है, कृपया करके मुझे थोड़ा सा पानी तो पिला दो। तभी उसके बहू और बेटे दोनों मिलकर उस कमरे के अंदर गए और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगे कि बूढ़े में अभी भी जान बाकी है। तभी बहू ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा कि अरे बुढ़ा तू मर क्यों नहीं जाता है, इतना दिन तड़प तड़प कर जिंदा रहेगा, तेरे मरने के बाद कम से कम हम तो खुशी से जिएंगे, आखिर किस मिट्टी से बने हो तुम, रोज जहर खाने के बाद भी तुम अब तक जिंदा हो। ये सुनते ही पुजारी की आंखों में आंसू आ गया और वो अपने बेटे की ओर देखने लगा। उस वक्त उसके बेटे हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगा कि हाँ बाबूजी आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, आप ही मुझे कहते थे ना इंसान को एक ना एक दिन जरूर मरना पड़ेगा, तो फिर आप क्यों नहीं मरते हो। मैं रोज आपकी दवाई में थोड़ा थोड़ा करके जहर मिलाता हूँ ताकि लोगों को ऐसा लगे कि आपको दिल की दौरा पड़ने की वजह से आपका मौत हुआ है। बाबूजी आप जल्दी जल्दी मर जाओ ताकि आपके मरने के बाद हम दोनों ये घर
और मंदिर की सारे जमीन जायदाद बेचकर शहर में जाकर आराम से खुशी से अपनी जिंदगी बिता सके। ये सुनने के बाद उस पुजारी की आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस वक्त बेचारा वो कर भी क्या सकता था, बस बिस्तर में पड़े पड़े भगवान श्री राम को ही याद करते जा रहा था। मगर जिसे बचाने वाला स्वयं बजरंग बली हो, उसे भला ये दुष्ट मानव कैसे मार सकते थे। बहुत दिनों से राम मंदिर में ताला लगा हुआ था, ना ही उस मंदिर में कोई पूजा पाठ हो रहा था, ना ही उस मंदिर में कोई भगवान श्री राम का आलती करता था। और इसी बात से बजरंग बली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसके अगले ही दिन उस पुजारी के घर में एक ऐसा चमत्कार घटना घटी जिसे जानने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि सच में भगवान होते हैं। जैसे ही सुबह का पहली किरण पड़ा, पुजारी अपने बिस्तर में पड़ा पड़ा मौत का इंतजार कर रहा था, तभी उसने देखा कि उसके खिड़की से एक बंदर कहां से कूद कर आ गया। उस बंदर को कमरे के अंदर देखकर पुजारी जोर जोर से आवाज देते हुए अपने बेटे और बहू को बुलाने लगा। मगर उसके बहू और बेटे ने कहने लगे कि तू जल्दी से मर जा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेचारा वो पुजारी सोचने लगा कि ऐसे जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मगर उसके साथ उस कमरे में एक ऐसा चमत्कार हुआ, वो बंदर आकर पुजारी के छाती के ऊपर बैठ गया और जोर जोर से कूदने लगा, जिसके वजह से वो पुजारी खून की उल्टियां करने लगा और वो बंदर अपने हाथों से एक पत्ते निकालकर उस पुजारी के मुंह में डाल दिया और जोर से कहने लगा कि जय श्री राम। ये कहकर वो बंदर खिड़की से कूदकर बाहर चला गया। राम का नाम सुनते ही उस पुजारी की रोंगटे खड़े हो गए। वो पुजारी सोचने लगा कि आखिर एक बंदर भगवान श्री राम का नाम कैसे जप सकता है। ये कहकर वो पुजारी खड़ा हो गया। उस वक्त उसके शरीर में एक अजीब सी ताकत महसूस हो रहा था और उसने देखा कि उसके हाथ पैर पूरी तरह से काम करने लगा है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या था। पुजारी समझ गया था कि उसे बचाने के लिए स्वयं बजरंग बली उसके पास आए थे। पुजारी हाथ जोड़कर भगवान श्री राम के साथ साथ हनुमान को प्रणाम करने लगा और वो जाकर अपने बेटे और बहू के पास खड़ा हो गया। पिताजी को सही सलामत ठीक होता देखकर बेटे और बहू के माथे से पसीना निकल आया। डर के मारे वो दोनों पुजारी के पाँव पकड़कर माफी मांगने लगे, मगर पुजारी कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम दोनों शहर जाकर अकेला रहने चाहते थे ना, जाओ मेरे घर से निकल जाओ, आज के बाद तुम दोनों कभी भी मेरे घर वापस मत आना। ये कहकर पुजारी अपने बेटे और बहू को घर से बाहर निकाल दिया और अपना सारा जमीन जायदाद मंदिर के नाम कर दिया। रोज पुजारी राम मंदिर में पूजा करता था और शाम होते ही उस मंदिर में भगवान श्री राम का भजन कीर्तन होता था। कहते हैं कि आज भी वो बंदर भगवान श्री राम का भजन कीर्तन सुनने के लिए शाम के वक्त उस मंदिर के पास जाकर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटी सी कहानी। वैसे आप लोगों को हमारा कहानी कैसा लगा? अगर आप लोगों को हमारा कहानी पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।